गांधी ने 1984 सिख दंगों पर कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान की आलोचना की है। राहुल गांधी ने सैम पित्रोदा से अपने बयान पर माफी मांगने को भी कहा है। राहुल ने कहा कि सिख दंगों का दर्द कभी भूला नहीं जा सकता। राहुल ने फेसबुक पर कहा कि मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है वो पार्टी लाइन से पूरी तरह से अलग है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। Taken out of context because my Hindi is not that good. I think in English, I have to translate. What I meant is jo hua, wo bura hua. I couldn't translate bura in my mind. What I meant is move on. We have other important issues to discuss about what BJP government promised and what they have. हालांकि बीजेपी को बैठे बिठाए जो मौका मिला है उसे भुनाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी अब पलटवार जारी है। देखिए 1984 में जो सिख विरोधी हिंसा हुई थी वो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा है और इस पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक क्षमा व्यक्त करने वाला भाव व्यक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इसके ऊपर क्षमा मांग चुके हैं, सदन में भी, सदन के बाहर भी। कुछ सोनिया जी ने भी इसके ऊपर खेद प्रकट किया है। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है कि 2002 में गुजरात में जो इतने भयंकर दंगे हुए थे जिसमें 3000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए थे उस पर आज तक नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है क्या? गांधी को जवाब देना चाहिए क्योंकि सैम पित्रोदा राजीव गांधी के सबसे नजदीकी थे और राहुल गांधी के सियासी गुरु माने जाते हैं। अब जब इतना जिम्मेवार आदमी कह रहा 84 हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो हुआ, यही कैजुअल एटीट्यूड है जिस करके 34 सालों तक हमारे कौम को हजारों सिखों के कत्लेआम का आज तक किसी को इंसाफ नहीं मिला जब तक हमारी सरकार नहीं आई। सैम पित्रोदा के बयान के बाद देश में एक बार फिर सिख दंगों की याद ताजा हो गई है। सिख दंगे की पीड़िता निमृत कौर ने कहा कि मेरे भाई को मारा, मेरे पिता को मारा, मेरे पिता को जिंदा जला दिया। पालम कॉलोनी के पास की घटना थी। सज्जन कुमार मंगलपुरी में कह रहे थे कि सिखों को मारो, विंग कमांडर LS पुन्नू को भी जहर देकर मार दिया गया, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साले को जिंदा जलाया गया। राहुल जी, सोनिया जी, आखिर माफी क्यों नहीं मांगते? अभी यही बात चले गुरुद्वारा साहब में हम सब इकट्ठे थे तो आवाज आ रही है और मॉब को लीड कर रहा है ये बलवान खोखर, किशन खोखर, XML कांग्रेस का महेंद्र सिंह यादव और वहाँ हमारे पर ममता बेकरी के ओनर थे, वो थे, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। इंदिरा गांधी अमर रही, इन सिखों को मारो, इन्होंने हमारी माँ को मारा है। उनके पास उस वक्त लाठियाँ, जैली और सरिये वगैरह थे और उन्होंने गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया। मेरी बेवकूफ़ी या बदकिस्मती, अभी मॉब थोड़ी दूर ही गया था, मैंने कहा डैडी दौड़ो, पास में नाला था, मेरे फादर साहब ने नाले में छलांग लगाई उठने के लिए तो मॉब में से किसी ने देख लिया, वो दौड़े आए, कहते सरदार अभी जिंदा है। यही कैप्टन भागमल सिंह, इसने रस्सियों के साथ मेरे फादर साहब को बांधा, धनराज ने रस्सियां दी और दूसरी बात दुआ की वाइफ ने मिट्टी का फिर तेल दिया, मेरे फादर के ऊपर छिड़का।